के अंदर क्या गिवन है, ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट, जैसे वो एलांटे में एयरपोर्ट पे बेल्ट लगी हुई है, लोग खड़े होते हैं और चलना शुरू कर देते हैं बेल्ट के साथ साथ, ये सेम सिचुएशन है। चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विद अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट बिटवीन हिज फादर एंड मदर लोकेटेड 50 मीटर अपार्ट ऑन द मूविंग बेल्ट। तो एक बेल्ट चल रही थी, ये रही यहाँ फादर मदर और एक बच्चा, और ये आप जो देख रहे हैं, मतलब बैक के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये 50 मीटर अपार्ट है, बेल्ट मूव कर रही है 4 की स्पीड के साथ। ये बच्चा क्या करता है, फादर से मदर, मदर से फादर, फादर से मदर, खेलना स्टार्ट कर देता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर। तो जब ये फादर से मदर के पास जा रहा है तो ये बेल्ट के साथ साथ चलेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन, अगर इस चाइल्ड की स्पीड 9 है और बेल्ट की स्पीड 4 है, तो बताओ जब ये बेल्ट के साथ साथ चलेगा तो आपको, जो आप ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, आपको क्या लगेगा इसकी स्पीड कितनी है? 9 + 4, मैंने बताया था फ्रेम की स्पीड ऐड हो जाती है, तो क्या आएगा 13। जब ये मदर से फादर पे आएगा तो स्पीड क्या लगेगी? 5। 9 में से 5 गया 5, सही है, कोई डाउट इसमें? और आखिरी क्वेश्चन इसमें यही पूछ रहे वो कि ये देखो स्पीड ऑफ द चाइल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट और स्पीड ऑफ द चाइल्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा, टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन 1 एंड 2, वो कह रहा है जब फादर से मदर के पास आ रहा है या मदर से फादर के पास आ रहा है, पहले ये बताओ क्या समय डिफरेंट लगेगा या सेम लगेगा? डिफरेंट लगेगा आपको लगता है? चलो देखते हैं, देखते हैं फिर से एक बार, फिर से देखो, इमेजिन करो कि यहाँ से ये दो बेंच हैं, इन दो बेंचेस के बीच में मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ और फिर मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ, टाइम सेम लगेगा कि डिफरेंट लगेगा? सेम लगेगा, ठीक है सेम लगेगा। अब ये बात आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप खुद क्लास में बैठे हैं, मैं क्लास में हूँ, फ्लोर क्लास में है, हम सब रेस्ट पे हैं, रिलेटिव मोशन 0 है। अब सोचो कोई बंदा हमें यूनिवर्स से देख रहा है, अर्थ घूम रही है, अब वो कह रहा है जी अर्थ तो इधर घूम रही थी, पहले तो आप इधर जा रहे थे, अब आप अर्थ की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हो, लेकिन तुम तो कह रहे हो सेम। पॉइंट समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? देखो, जब ये मदर फादर और चाइल्ड तीनों बेल्ट पे थे तो अगर ये दुनिया को ना देखें तो ये रिलेटिव मोशन इनका 0 है, एक दूसरे के हिसाब से ये रेस्ट पे ही हैं। आप अपने आप को मत देखें, आप ग्राउंड पे हैं, आपसे ये तो ना पूछ रहा है कि आप बताओ कि टाइम क्या है, अगर आप भी बताएंगे वैसे तो टाइम सेम रहेगा, पर फिर भी ये पूरा प्रोसेस किस में हो रहा है, चलती हुई किसी बेल्ट पे हो रहा है। तो जो बेल्ट की स्पीड चाइल्ड की है, वही अगर मान लो बच्चा नहीं मूव करता तो सबकी स्पीड कम से कम बेल्ट जितनी तो है ही है, तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ये सब रेस्ट पे ही हैं, तो इनके लिए बेल्ट का चलना मायने नहीं रखता, तुम्हारे लिए रखता है क्योंकि तुम सब कुछ ग्राउंड पे देख रहे हो। तुम बोल सकते हो कि चाइल्ड की स्पीड जी जाते हुए 9 + 4 है, आते हुए 9 - 4 है, तुम बोल रहे हो क्योंकि तुम ग्राउंड पे हो। तुम उस बच्चे से पूछो ना कि तेरी स्पीड कितनी है, वो तो कहेगा जी 9 है, उसको क्या लेना कि लिफ्ट कि आप ग्राउंड पे हैं कि नहीं, उसके हिसाब से वो बेल्ट पे चल रहा है, बेल्ट भी चल रही है तो उसके हिसाब से बेल्ट इज लाइंग एट रेस्ट, उसके हिसाब से तो रेस्ट पे ही है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसमें कुछ नहीं करना आपने, आपको ये पता है कि इनके बीच में दूरी कितने मीटर है, 50 मीटर है, इसको इस बच्चे की स्पीड से 9 किलोमीटर पर आवर 2.5 से क्या कर देना है, डिवाइड। कोई रिलेटिव स्पीड नहीं, कोई इसमें लिफ्ट की स्पीड या इसकी जो स्पीड है, जो बेल्ट की स्पीड है, आपको नहीं चाहिए। तो सिंपली जो भी एक आंसर आएगा कि डिस्टेंस 50 मीटर को चाइल्ड की स्पीड से डिवाइड करके 20 सेकंड, तो जाने का भी 20 सेकंड, आने का भी 20 सेकंड, कोई फर्क ना पड़ेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ये सब किस पे पड़े हुए हैं, एट रेस्ट। सही यहाँ तक?